बिजली बिल ऑनलाइन या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर चुकाते हैं तो अब कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, और यही है ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। मतलब साफ तौर पर ऑनलाइन बिल चुकाओ और चार्ज से छुटकारा पाओ। कुछ समय पहले खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो कह सकते हैं शॉप्स हैं और कुछ जो लुभावने ऑफर्स हैं वो ग्राहकों को देने की कोशिश की जा रही है, और अब जो इसका दायरा है वो आपके बिजली बिल तक भी पहुंच चुका है। और मंत्री पीयूष गोयल ने यह बड़ा ऐलान किया है कि बिजली का भुगतान अगर आप करते हैं तो उस पर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये समझाइए कि अब जितने भी उपभोक्ता हैं बिजली बिल अगर वो कैशलेस पेमेंट के थ्रू करते हैं तो कैसे उन्हें अब फायदा होने जा रहा है? देखिए, पावर मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। बैंकों के साथ कार्ड के साथ जो अलग अलग कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, और इसके अलावा जो मोबाइल वॉलेट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उनके साथ टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। और ये सर्विसेज कंज्यूमर को अब दी जाएंगी कि अगर आप कार्ड के जरिए, हालांकि इसमें क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं होगा क्योंकि पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि क्रेडिट कार्ड को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती है, इसलिए डेबिट कार्ड के जरिए या फिर आप मोबाइल वॉलेट के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट आप करते हैं तो उस पर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, वो सारे पेमेंट अब नहीं लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऑल टाइम के लिए चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो कंज्यूमर कभी भी डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने ये सुविधा तो कंज्यूमर के लिए दी है, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट का मीडियम जो है कंज्यूमर को अवेलेबल कराना बेहद जरूरी है, और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम होगी क्योंकि राज्यों को ये जो सुविधा है ये उपलब्ध कराना होगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सारे राज्यों से अपील की है कि वो अपने कंज्यूमर को डिजिटल पेमेंट मीडियम अवेलेबल कराएं, ये सारे मीडियम उपलब्ध कराएं ताकि उनको इसका फायदा हो। सरकार कोशिश कर रही है कि इन तमाम तरह के सुविधाओं के साथ कंज्यूमर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और कैशलेस इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको हासिल किया जाए, और उस दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अतिरिक्त चार्ज के यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्राहकों को चुकाना नहीं होगा अगर वो कैशलेस मोड का इस्तेमाल करते जिसमें क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं है, ये कौन से अतिरिक्त चार्ज जिनकी बात की गई है? देखिए, जो कार्ड चार्जेस होते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं तो वॉलेट के इस्तेमाल में एक लिमिट होता है कि उस लिमिट से अगर आप उस वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं। वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हटा लिया गया है और इसका जो फायदा है सीधे कंज्यूमर को मिलेगा। और इसमें कुछ कंपनियों के साथ ये भी बातचीत चल रही है कि वो वेव ऑफ आपको कैशबैक देंगे, कुछ मामलों में कुछ कंपनियां कैशबैक दे भी रही हैं। तो ये तमाम कार्ड चार्जेज आपको नहीं लगेंगे, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं वो चार्जेज आपको लगते हैं एक लिमिटेड के बाद। जैसे 2000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं उससे ऊपर का अगर आपका पेमेंट होता है तो उससे आपको चार्जेज लगते हैं, वो चार्जेज अब नहीं लगेंगे। जी, और इसकी मियाद कभी रखी गई है कि यहाँ तक फायदा मिलेगा? नहीं, ये ऑल टाइम फैसिलिटी अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है, इसमें कभी भी इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, ऑल टाइम के लिए कंज्यूमर को ये सुविधा मिलेगी। चलिए, तो ये कंज्यूमर के लिए काफी अच्छी खबर है कि आप ऑनलाइन बिल चुकाइए और जितने भी अतिरिक्त चार्ज है उसका उससे आप छुटकारा पाएंगे।